नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जनता सावधान रहे क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं। खैर, चुनाव हुआ और 11 दिसंबर को रिजल्ट आया और रिजल्ट के मुताबिक कांग्रेस ने विधानसभा की 114 सीटों पर कब्जा जमाया और बीजेपी 109 सीट ही पा सकी। उसके बाद कांग्रेस में कवायद शुरू हुई कि कौन होगा मुख्यमंत्री। फिर दो दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर जैसे ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों की पहली बैठक ली और अपनी पहली ही बैठक में 2 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा एतद निर्णय लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पाए गए किसानों के 2 लाख रुपए की सीमा तक का दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। बता दें कि किसानों की ऋण माफी से मध्य प्रदेश सरकार पर 56,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जो भी हो, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जितनी तत्परता से ऋण समस्या को सुलझाया है, अगर वो मध्य प्रदेश की हर समस्या को सुलझा ले तो फिर जनता को किसी तरह की समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा।